हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने कैपेसिटर को स्टार्ट किया था। ठीक है, अपन ने बोल रहे थे कैपेसिटर क्या है, एक डिवाइस है। ठीक है, जिसमें अपन एक ऐसा अरेंजमेंट डेवलप करते हैं जिससे किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी को अपन इंक्रीज कर पाते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स शेप एंड साइज। ठीक है, तो कैपेसिटर जो है वो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में यूज़ होता है, जस्ट लाइक रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस अपन ने 10th क्लास में स्टडी किया था। रेजिस्टेंस के बाद वैसा ही एक डिवाइस कैपेसिटर है जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में यूज़ में आता है। ठीक है, तो अब इसको अपन कैसे सर्किट्स के अंदर कनेक्ट करते हैं, तो उसके लिए अपन को इसके कॉम्बिनेशन स्टडी करने पड़ेंगे। तो जो कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन हैं वो भी रेजिस्टेंस की तरह ही दो टाइप के होते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस। तो अपन को पढ़ना है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स और कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर्स। तो दो टाइप से अपन इसको कनेक्ट कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन इसके जनरेट कर सकते हैं, वही जो रेजिस्टेंस अपन ने स्टडी किए थे। सो इसका फर्स्ट कॉम्बिनेशन है, दैट इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, और जो सेकेंड कॉम्बिनेशन है दैट इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये अपन को एक एक करके अभी स्टडी करने हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं किसकी, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन अपन ने रेजिस्टेंसेस के लिए स्टडी किया है 10th क्लास में। क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं अपन पैरेलल कॉम्बिनेशन या सीरीज कॉम्बिनेशन को। देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर अपन को डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंस करना है, तो एक सिंपल तरीका ये है कि भाई अपन सीरीज कॉम्बिनेशन तो उसको बोलते हैं जिसमें डिवाइसेस, चाहे वो कैपेसिटर हों चाहे वो रेजिस्टेंसेस हों, वो एक सिंगल पाथ पे अटैच्ड हों। तो वो अगर एक सिंगल पाथ पे अटैच हैं, एक प्लेट पॉजिटिव, एक नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, अल्टरनेट में प्लेट्स आपकी चेंज हो रही हैं, तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो कनेक्शन है, दिस इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, लेकिन अगर कॉम्बिनेशन इस तरह का है, इस तरह का कि जो अपने डिवाइसेस हैं वो मोर देन वन पाथ पे, एक पाथ ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, यहाँ क्या हो रहा था, ये दिस वॉज पॉइंट ए, दिस वॉज पॉइंट बी, तो जब अपन ए टू बी ट्रेवल कर रहे थे तो ए टू बी ट्रेवल एक सिंगल पाथ से कर रहे थे, और उस सिंगल पाथ पे जो भी डिवाइसेस कनेक्ट थे, कैपेसिटर कनेक्टेड थे, दो आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। लेकिन अगर यहाँ मैं ए टू बी अगर ट्रैवल करूँ, तो ए टू बी जाने के लिए मेरा एक पाथ ये है, सेकेंड पाथ ये है, तो अब मोर देन वन पाथ्स पे जो डिवाइस कनेक्टेड हैं, दोज डिवाइसेस आर सेट टू बी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये दोनों जो कैपेसिटर हैं सी वन और सी टू, दीज आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये इधर इनका पॉजिटिव एंड होगा, इधर इनका नेगेटिव एंड होगा। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि भाई अगर कैपेसिटर्स के पॉजिटिव सबके एक तरफ, सबके पॉजिटिव प्लेट्स एक साइड और सबकी नेगेटिव प्लेट्स दूसरी साइड कनेक्टेड हो, तो उसको भी अपन क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो अपन को पैरेलल कॉम्बिनेशन स्टडी करना है, मतलब मेरे को कैपेसिटर्स को इस तरह अटैच करना है, किस तरह अटैच करना है कि जो कैपेसिटर्स हैं वो उन सबका पॉजिटिव प्लेट तो एक साइड में अटैच हो और नेगेटिव प्लेट दूसरे साइड में अटैच हो। ठीक है, तो ये मेरे पास टू कैपेसिटर्स हैं, दीज आर टू कैपेसिटर्स। ठीक है, दिस इज एंड ए, दिस इज एंड बी, सो दीज टू कैपेसिटर्स सी वन, दिस इज सी टू, आर ऑन डिफरेंट पाथ्स बिटवीन ए एंड बी, सो दीज आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, मैं इनको चार्ज प्रोवाइड करूंगा, तो लाइट इधर से क्यू चार्ज मैं इनको दूंगा, किसी बैटरी से कनेक्ट कर दूंगा इसको। ठीक है, कनेक्ट कर दूंगा तो क्या होगा कि भाई इसके पास क्यू चार्ज आएगा, बैटरी से ट्रैवल करके चार्ज आएगा, तो क्या होगा, देयर आर टू पाथ, तो कुछ चार्ज तो इधर जाएगा लेट Q1, और कुछ चार्ज किसके पास जाएगा, C2 के पास, लेट Q2 चार्ज गया C2 के पास। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि पॉइंट A टू B जब चार्ज ट्रैवल करेगा, देखो Q1 इधर से होता हुआ, Q2 इधर से होता हुआ, वापस मेरे को इधर जब डिस्चार्ज होगा तो Q मिल जाएगा, तो Q1 इधर से ट्रैवल करता हुआ आया, Q2 इधर से ट्रैवल करता हुआ, दोनों पैरेलल में हैं, और पैरेलल में जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है। ठीक है, अपन ने 10th क्लास में पढ़ा था कि सीरीज में तो करंट या चार्ज सेम होता है, और पैरेलल में जो है वो पोटेंशियल सेम होता है। ठीक है, तो इधर भी V, तो इधर भी V, क्यों,
क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो निकलेगा वो हमेशा टू पॉइंट्स के बीच में निकलता है, तो देर आर टू पॉइंट्स ए एंड बी, तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। तो ये सी वन भी इन्हीं टू पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है, सी टू भी इन्हीं टू पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है, तो सी वन और सी टू इन दोनों पर जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो कैसी होगी, सेम होगी। तो लेट इन दोनों का पोटेंशियल कितना है, वी है, ठीक है। चार्ज इनके क्यू वन और क्यू टू डिफरेंट डिफरेंट होंगे, ठीक। अब चार्जेस क्यू वन एंड क्यू टू डिफरेंट डिफरेंट होंगे, सो जो टोटल चार्ज होगा, टोटल चार्ज होगा दैट विल बी क्यू इक्वल टू क्यू वन प्लस क्यू टू, ये होगा, ठीक। अगर क्यू इक्वल टू क्यू वन प्लस क्यू टू होगा तो क्यू वन क्यू टू की वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या मैं, क्यू वन क्या होगा, अपन ने कल फॉर्मूला निकाला था रिलेशन क्यू सी और वी का, क्या निकाला था, क्यू इक्वल टू सी वी, याद है कल ही निकाला था अपन ने। तो Q1 चार्ज Q1 किसके अंदर है, C1 के अंदर, तो उसकी कैपेसिटी C1 और उसका पोटेंशियल कितना है, V, इक्वेशन सेकंड। ऐसे ही चार्ज अगर मैं कैलकुलेट करूं सेकंड वाले कैपेसिटर C2 पे, तो Q2 विल बी कैपेसिटी C2, पोटेंशियल V, इक्वेशन नंबर थर्ड। और अगर मैं ये लेट करूं कि भाई टोटल चार्ज कितना दिया है मैंने, Q, ठीक है, तो टोटल चार्ज इक्वल टू टोटल कैपेसिटी इंटू टोटल पोटेंशियल, तो टोटल कैपेसिटी वो मेरे को निकालनी है, लेट वो सी ई क्यू, सी इक्विवेलेंट है और पोटेंशियल तो वी ही है, इक्वेशन नंबर फोर। मेरे को कैलकुलेट क्या करना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इनकी नेट कैपेसिटी इक्विवेलेंट कैपेसिटी कैलकुलेट करनी है, कर सकता हूँ। ये इक्वेशन टू थ्री फोर को प्लेस कर देता हूँ इक्वेशन नंबर वन के अंदर, सो क्यू दैट इज सी इक्विवेलेंट इनटू वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी वन वी और प्लस में क्या हो जाएगा, सी टू वी, तो सी इक्वलेंट क्या हो जाएगा, वी 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 कैंसिल आउट हो जाएगा, सी वन प्लस सी टू, तो दिस विल बी द इक्वलेंट कैपेसिटी फॉर टू कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब मान लो ये तो डायरेक्ट वहाँ पे टू कैपेसिटर्स थे, अगर टू कैपेसिटर्स की प्लेस पे मैं एन कैपेसिटर्स कनेक्ट कर दूँ, बहुत सारे कैपेसिटर कनेक्ट कर दूँ, If n capacitors, बहुत सारे capacitors मैंने कनेक्ट कर दिए जिनकी कैपेसिटी है C1, C2, dash dash dash, CN, C3, C4, C10, C11, C15, C100, CN तक है सबकी capacities, then equivalent capacitance क्या होगा, मेरे को क्या पता चल रहा है यहाँ पे कि मैं equivalent निकालना है parallel में, तो क्या करो, डायरेक्ट ऐड कर दो capacities को, तो n का भी निकालना है तो क्या करूं, सबकी कैपेसिटीज को मैं डायरेक्ट ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा, ठीक है। अब मान लो कि भाई C1, C2, C3 ये सब एक दूसरे के इक्वल हों, Cn, और सारे के सारे एक ही वैल्यू के कैपेसिटर हों, सारे के सारे कंडक्टर्स की कैपेसिटी कैसी हो, सेम हो, कितनी हो सब कैपेसिटर्स की कैपेसिटी, C हो, तो क्या होगा, देन C इक्विवेलेंट विल बी C1 की कैपेसिटी भी थी, C2 की कैपेसिटी भी थी, C3 की कैपेसिटी भी थी, Cn की कैपेसिटी भी थी, तो मेरे को C ऐड करना है कितने टाइम्स, n टाइम्स, तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, दैट विल बी n इंटू C, दैट मीन्स जो टोटल कैपेसिटी होगी वो क्या होगी, एक सिंगल कैपेसिटर की कैपेसिटी का n टाइम्स होगी, दैट मीन्स जो इक्विवेलेंट में कैपेसिटी है वो हमेशा क्या होगी, इंक्रीज होगी। मीन्स अगर कैपेसिटर्स को आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर रहे हो तो कैपेसिटी हमेशा क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है, बात आ गई समझ में, C इक्विवेलेंट विल बी एन सी, इसको अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, तो दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, आ गई बात समझ में। सीरीज कॉम्बिनेशन देखो, अब सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो भी कैपेसिटर्स अपन कनेक्ट करेंगे वो कहाँ होंगे, वो सभी सिंगल पाथ पे होंगे, ठीक है। अब सिंगल पाथ पर होंगे तो कैसे होंगे, सिंगल पाथ पर, सीरीज में सिंगल पाथ पे लेट मैंने फर्स्ट कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया, देन सेकेंड कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया, तो इस तरह ये सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, फर्स्ट वाले की कैपेसिटी C1, सेकेंड वाले की कैपेसिटी क्या हो गई C2, ये पाथ
का पॉइंट ए और ए पाथ का पॉइंट बी। टू ए टू बी जब अपन जाएंगे तो सिंगल पाथ पे मेरे सी वन और सी टू हैं। अब मैं मान लो बैटरी कनेक्ट कर दूँ दोनों टर्मिनल से बीच में, तो बैटरी से चार्ज निकलेगा और कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। तो क्यू चार्ज अगर निकलेगा तो क्या होगा कि भाई देखो, सबसे पहले ये इस प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज आएगा, ये वाली प्लेट पे, ये इस तरह कनेक्टेड है ना, इस तरह कनेक्टेड है। सबसे पहले बैटरी से मैंने कनेक्ट किया इसको, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, इधर से प्लस क्यू चार्ज इसको दिया मैंने, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। इससे इधर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, इधर की साइड क्या होगा, पॉजिटिव इंड्यूस होगा। ये इधर कनेक्टेड है, इसका पोटेंशियल कैसा है भाई, ये हायर पोटेंशियल है लोअर पोटेंशियल, तो अपना जो चार्ज है वो हायर टू लोअर पोटेंशियल इधर मूव कर जाएगा, तो इधर पॉजिटिव कनेक्ट, इस पॉजिटिव से इधर क्या आ जाएगा नेगेटिव, ये ग्राउंड से कनेक्टेड है तो इधर वाला पॉजिटिव ग्राउंड में चला जाएगा। तो इस तरह इस पर प्लस क्यू, इधर माइनस क्यू, इधर प्लस क्यू, इधर माइनस क्यू, तो जो चार्ज होगा वो क्या होगा, दोनों के पास क्यू ही होगा, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज की वैल्यू तो इसके पास भी क्यू और इसके पास भी क्यू। पर अब क्या होगा कि भाई ए टू बी जब चार्ज मूव करेगा तो लेट टोटल पोटेंशियल वी है, पोटेंशियल क्या होता है चार्ज को मूव करवाने के लिए वर्क डन होता है, तो टोटल पोटेंशियल वी है। लेट इसकी कैपेसिटी सी वन है, इसकी सी टू है, तो कैपेसिटीज डिफरेंट डिफरेंट है, तो दोनों की कैपेसिटीज अगर डिफरेंट डिफरेंट है तो दोनों के अंदर ही चार्ज प्रोवाइड करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट वर्क करना पड़ेगा। तो लेट इसके अक्रॉस पोटेंशियल वी वन है और इसके अक्रॉस पोटेंशियल वी टू है, ठीक है। तो जो नेट पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो जो मेरा नेट पोटेंशियल होगा, टोटल पोटेंशियल होगा अक्रॉस ए बी, वो कितना होगा, दैट विल बी वी इक्वल टू वी वन प्लस वी टू, ये होगा मेरा नेट पोटेंशियल, ठीक है। अभी मेरा नेट पोटेंशियल हो गया वी इक्वल टू वी वन प्लस वी टू, तो ये मैं फाइंड कर सकता हूँ लेट इक्वेशन वन। अगर मैं कैपेसिटर सी वन की बात करूँ तो उसका पोटेंशियल वी वन क्या होना चाहिए, भाई फॉर्मूला तो वही है मेरे पास, क्यू इक्वल टू सी वी, तो वी इक्वल टू क्यू अपॉन सी, ये फॉर्मूला अप्लाई करूँ तो वी वन फर्स्ट वाले कैपेसिटर का चार्ज कितना है, क्यू कैपेसिटी कितनी है, सी वन, इक्वेशन नंबर सेकेंड। सेकेंड वाले कैपेसिटर की बात करूँ, उसका पोटेंशियल वी टू, तो चार्ज उसके अंदर भी क्यू और उसकी कैपेसिटी कितनी है, सी टू, तो पोटेंशियल उसका कितना हो गया, वी टू इक्वल टू क्यू अपॉन सी टू। और अगर नेट पोटेंशियल टोटल पोटेंशियल वी फाइंड करूँ तो टोटल चार्ज क्यू ही दिया और टोटल कैपेसिटी लेट सी इक्वलेंट है, तो मेरे को सी इक्वलेंट ही तो फाइंड करना है भाई, नेट कैपेसिटी वैल्यूज पुट कर दो वन के अंदर, तो वन के अंदर अगर मैं वैल्यूज पुट करूँ ये, तो क्या होगा, सो टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल वी इक्वल टू वी वन प्लस वी टू है, वी इज क्यू अपॉन सी इक्वलेंट इक्वल टू वी वन क्यू वन अपॉन सी वन, सॉरी क्यू अपॉन सी वन प्लस क्यू अपॉन सी टू, चार्ज तो सेम है सीरीज में, क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, सो सी इक्वलेंट वन अपॉन सी इक्वलेंट विल बी वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू। दैट मीन्स सीरीज कॉम्बिनेशन में मेरे पास जो नेट कैपेसिटी इक्वलेंट कैपेसिटी का इनवर्स कैसे आ सकता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्वलेंट कैपेसिटी का जो इनवर्स होगा वो सारे कैपेसिटर्स की कैपेसिटीज के इनवर्सेस के सम के इक्वल होगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं टू कैपेसिटर्स के लिए फॉर्मूला अगर इंक्लूसिव निकालूं तो क्या होगा, एलसीएम ले लें अपन सी वन सी टू, सो वन अपॉन सी इक्वलेंट विल बी सी वन सी टू, एलसीएम ले लिया, दिस इज सी वन प्लस सी टू, सो सी इक्वलेंट विल बी सी वन सी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू। तो टू कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन के लिए, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी यूज कर सकता हूँ, सी वन सी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू। अब मेरे को यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई कि भाई मेरे को अगर कैपेसिटी निकालनी है इक्वलेंट, तो उसका जो इन्वर्स होगा वो सारे कैपेसिटर्स की कैपेसिटीज के इन्वर्सेज के सम के इक्वल होगा। तो अगर मेरे पास n कैपेसिटर्स हैं जिनकी कैपेसिटीज हैं सी वन सी टू सी थ्री सी एन तक, इफ देर आर n कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटीज सी वन सी टू सी थ्री डैश 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 सी एन, तो फिर इक्वलेंट क्या होगी, then
वन अपॉन सी इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू प्लस डैश 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 वन अपॉन सी एन, सारे कैपेसिटर्स की कैपेसिटीज के इनवर्सेस को क्या कर दूंगा मैं, ऐड कर दूंगा। ठीक है, दिस विल बी द इनवर्स ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटी। अच्छा, अगर ऐसा हो कि भाई सबकी कैपेसिटी सेम हो, सी वन इक्वल टू सी टू इक्वल टू सी थ्री इक्वल टू सी एन इक्वल टू सी हो, सबकी कैपेसिटी सेम वैल्यू वाले कैपेसिटर अटैच कर दी मैंने सीरीज में, तो क्या होगा, देन वन अपॉन सी इक्विवेलेंट विल बी वन अपॉन सी प्लस वन अपॉन सी प्लस वन अपॉन सी प्लस वन अपॉन सी, कहाँ तक ऐड करना है, एन तक ऐड करना है मेरे को वन अपॉन सी को, तो वन अपॉन सी इक्विवेलेंट विल बी वन प्लस वन प्लस वन ऐड होगा तो एन अपॉन सी, तो वन सी इक्विवेलेंट विल बी सी अपॉन एन हो जाएगा। दैट मीन्स जो कैपेसिटी है ना वो क्या होगी, एन टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो कैपेसिटी है वो क्या होती है, रिड्यूस होती है। सो दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटी इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये अपना था कॉम्बिनेशन कैपेसिटर्स का इन पैरेलल एंड इन सीरीज। क्वेश्चन देख लो, चलो इसके ऊपर एक देखो। देखो मेरे को ये क्वेश्चन गिवन है, डायग्राम गिवन है मेरे को, मेरे को क्या फाइंड करना है, ऐसे बोल रहा है फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटी सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, डायग्राम क्या गिवन है मेरे को, ये डायग्राम मेरे को गिवन है, दिस इज अ कैपेसिटर कनेक्टेड, एक इधर कनेक्ट है, एक मेरा कैपेसिटर ये इधर कनेक्टेड है, अदर वन इज कनेक्टेड हेयर। ठीक है, अब एक कनेक्शन है मेरा इधर, एक कैपेसिटर ये रहा मेरा। ठीक है, अच्छा एक और है मेरे पास, इधर कनेक्ट कर देता हूँ एक कैपेसिटर मेरा ये है और एक और कैपेसिटर मेरा ये है। ठीक है, एक और कैपेसिटर मैंने इधर कनेक्ट कर दिया, दिस इज अनदर कैपेसिटर और ये रहा मेरा पॉइंट बी। ठीक है, क्या बोल रहा है मेरे को, ये है 2 माइक्रोफेरेड। ठीक है, दिस इज ऑल्सो 2 माइक्रोफेरेड, दिस इज 2 माइक्रोफेरेड, दिस इज अगेन 2 माइक्रोफेरेड, दिस इज अगेन 2 माइक्रोफेरेड, दिस इज 4 माइक्रोफेरेड एंड दिस इज अगेन 4 माइक्रोफेरेड। अब मेरे को पॉइंट ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटी फाइंड करनी है, करो चलो। देखो भाई, इनिशियली तो क्या है कि जब आप सीख जाओ अच्छे से तब तो आप इसको वेरी क्विक स्पीड में कर सकते हो, स्टार्टिंग में इसको अपन स्लोली स्लोली स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ठीक है, तो देखो पहले तो क्या है, जिधर से सॉल्व मेरे को होता दिख रहा है उधर से सॉल्व अपन करना स्टार्ट कर देंगे, जिधर से ईजी है। तो देखो दिस इज अ पॉइंट, दिस इज अनदर पॉइंट, ये 2 पॉइंट्स के बीच में ये 2 पाथ पे कैपेसिटर कनेक्टेड हैं, 2 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड, तो बोथ आर इन पैरेलल, तो बोथ आर इन पैरेलल। अच्छा पहले इनको नेमिंग दे देते हैं, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, लेट ए C3 है, ये C4 है, लेट ए C5 है, ये C6 है और ये C7, ये इनको मैंने नेम प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, तो C4 एंड C सबसे पहले, तो क्या हो रहा है, C4 एंड C5 इन पैरेलल। ठीक है, C4 C5 पैरेलल में है, तो C इक्विवेलेंट विल बी C4 प्लस C5, तो 2 प्लस 2 कितना हो गया, दैट इज 4 माइक्रोफेरेड। ठीक है, मींस इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या है, 4 माइक्रोफेरेड है। इक्विवेलेंट का मीनिंग क्या होता है, इक्विवेलेंट का मीनिंग होता है कि भाई जो इक्विवेलेंट अपने निकाला ना उसकी वैल्यू जिनसे निकाला उनकी कंबाइंड वैल्यू के इक्वल है। दैट मीन्स
इन दोनों की कंबाइंड वैल्यू मतलब इन दोनों का जो इफेक्ट होगा ना वो अकेला 4 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर जनरेट कर सकता है। दैट मीन्स इन दोनों को मैं यहाँ से रिमूव करके 4 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर कनेक्ट कर सकता हूँ, इसका ये मीनिंग हो गया। इन दोनों को यहाँ से निकाल के इनकी जगह क्या लगा दूँ, एक 4 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर मैं यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ। तो इन दोनों को मैंने इधर से निकाल दिया, निकाल दो, और इनकी जगह क्या कनेक्ट कर दिया मैंने, ये 4 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया। तो इसको तो इनको तो इधर से निकाल दिया मैंने, और इनकी जगह मैंने क्या लगा दिया, ये 4 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर अटैच कर दिया। ठीक है, अब कुछ और दिख रहा है क्या, 4 एंड 4 इधर देखो, ये 2, ये 4 और ये 4 किसमें आ गए, ये इधर से इधर, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, सिंगल पाथ पे, सिंगल पाथ मीन्स कॉम्बिनेशन में है। तो 2 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड एंड 4 माइक्रोफेरेड, ठीक है, नेमिंग भी कर सकते हैं इनकी, आर इन सीरीज, तो तीनों सीरीज में हैं, तीनों सीरीज में हैं, तो इनका इक्विवेलेंट कितना होगा, कैसे करते थे, 1 upon C equivalent = 1 upon C1 + 1 upon C2 + 1 upon C3, सो 1 upon C equivalent will be 1 upon 2 + 1 upon 4 प्लस 1 upon 4, तो 1 upon C equivalent सॉल्व कर सकते हैं, इजी मैथमेटिक्स है, 2 + 1 + 1 4 upon 4, 1 upon C equivalent is 1, सो C equivalent is 1। दैट मीन्स इन तीनों का ही इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, 1, मीन्स इन तीनों का इक्विवेलेंट, इन तीनों के इक्विवेलेंट में मैं 1 माइक्रोफेरेड कैपेसिटी का कैपेसिटर कनेक्ट कर दूं, तो उसकी वर्किंग और इन तीनों की कंबाइंड वर्किंग एक जैसी होगी। दैट मीन्स मैं इन तीनों को इधर से निकाल के और क्या कनेक्ट कर सकता हूँ, 1 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर कनेक्ट कर सकता हूँ। तो कर दो कनेक्ट, ये तीनों को इधर से निकाल दिया और तीनों को इधर से निकाल के मैंने क्या कनेक्ट कर दिया, 1 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया लो, ठीक है, 1 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया। अभी 2 एंड 2 पैरेलल में हो गए, 2 एंड 2 C1 एंड C3 पैरेलल में हैं, C1 एंड C3 इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो सिंपली C इक्विवेलेंट क्या होगा, C1 + C3, तो 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4 माइक्रोफेरेड। दैट मीन्स इन दोनों को निकाल दूं और इनकी जगह क्या कनेक्ट कर दूं, एक 4 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर कनेक्ट कर दूं, तो निकाल दो दोनों को, ये दोनों को निकाला और इनकी जगह क्या कनेक्ट कर दिया मैंने, ये 4 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया। ठीक है भाई, अब देखो 4 एक ही पाथ है, यहाँ तक एक ही पाथ है, तो 4 एंड 4 सिंगल पाथ पे हैं सीरीज में, सो 4 माइक्रोफेरेड एंड 4 माइक्रोफेरेड किसमें हैं, सीरीज में, तो सीरीज में कैसे सॉल्व करेंगे, सीक्वेंट C1 C2 upon 2 कैपेसिटर से, C1 + C2 सीक्वेंट 4 into 4 upon 4 + 4 सीक्वेंट क्या आ गया, 16 upon 8 सीक्वेंट क्या आ गया इनका, 2 माइक्रोफेरेड आ गया। दैट मीन्स 4 एंड 4 को रिमूव कर दूँ, इनकी जगह क्या कनेक्ट कर दूँ, इनकी जगह पे मैं कनेक्ट कर सकता हूँ एक सिंगल कितना, 2 माइक्रोफेरेड कर दो कनेक्ट, ठीक है, 2 माइक्रोफेरेड। अब देख लो भाई, ये ए था, ये बी था, ए सी बी पे जाना है, एक पाथ ए रहा, एक पाथ ए रहा, 2 डिफरेंट पाथ्स पे हैं, 1 माइक्रोफेरेड एंड 2 माइक्रोफेरेड पैरेलल कॉम्बिनेशन, 1 माइक्रोफेरेड पैरेलल टू 2 माइक्रोफेरेड, सो इक्विवेलेंट क्या हो गया, पैरेलल में कैसे करते हैं, 1 + 2, तो सी इक्विवेलेंट क्या आ गया, 3 माइक्रोफेरेड विल बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। मींस अगर इस कैपेसिटर का जो मेरे को कॉम्बिनेशन गिवन था, इस कॉम्बिनेशन में सारे कैपेसिटर्स को मैं निकाल दूं, तो उनको निकाल के मैं एक सिंगल कैपेसिटर 3 माइक्रोफेरेड का इधर अटैच कर सकता हूं। ठीक है, आगे बात समझ में, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कुछ क्वेश्चंस आपकी बुक में हैं, उनको आप करेंगे, आगे पूछेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।